नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चौहान एकेडमी में। आज हम चर्चा करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण। आप लोगों को पता है कि DYC का रिजल्ट आ चुका है और बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने भी इसमें अपनी सफलता दर्ज कराई है। और बहुत अच्छी चीज़ है कि आप एक अच्छी रिप्यूटेड पोस्ट पर जा रहे हैं, एक हायर पोस्ट पर जा रहे हैं। और कल विकास आपका फ़ोन आया, बहुत अच्छा लगा, कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपको सेल्फ सक्सेस हुआ है। और आपको जो डाउट था सैलरी का इशू, मैंने आपको नंबर भी सेंड कर दिया था एक डिवाइसेस का जो वर्क कर रहे हैं, तो आप उनसे फिर पूरी तरह से आप समझ गए होंगे चीज़ों को। बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स हैं जिनका सिलेक्शन हुआ, आप लोगों का काफ़ी मैसेज आए थैंक्स के। और मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, आप लोगों ने कहा कि सर सफलता में आपका बहुत बड़ा रोल रहा है या कुछ भी आपकी वजह से सफलता मिली है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ यू, राइट। मैं एक मीडियम था, मैंने सिर्फ मोटिवेशन दिया। हाँ ये सही है कि आप में से बहुत सारे लोगों को पता नहीं था DYC एग्ज़ाम के बारे में, NYKS एग्ज़ाम के बारे में, मेरे थ्रू आप लोगों को पता चला, लेकिन कहीं ना कहीं आपने सफलता हासिल की। आज मैं बहुत पूरी वीडियो अच्छे से देखेगा, सारे DYC एस्पिरेंट्स जो हैं या कोई भी एस्पिरेंट्स ध्यान रखेंगे, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज स्ट्रेटजी पे चर्चा करेंगे और एक ऐसी स्ट्रेटजी पे चर्चा करेंगे जो सिलेबस से आउट होगी, सिलेबस में उस पर डिस्कशन बहुत कम होगा, लेकिन एक ऐसी चीज़ की मैं चर्चा करूँगा जिससे आप बीमार हैं, जिससे आप ग्रसित हैं, जिससे आप पीड़ित हैं, राइट। यू आर सफरिंग फ्रॉम दैट डिसीज़, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू लिसन दैट प्रॉपरली। एंड मैं बायलिंगुअल बोलता हूँ, कुछ इंग्लिश भी बोलकर यूज़ करता हूँ, क्योंकि इसमें शो आउट करने की कोशिश कभी नहीं करता कि मुझे इंग्लिश आती है कि नहीं आती, दिस इज अदर मैटर। मैं बात इसलिए करता हूँ ताकि जो सदर्न इंडिया बेल्ट का जो मेरा स्टूडेंट है, मेरा एस्पिरेंट्स, उसको समझ सके कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ एटलीस्ट कम से कम। पहले तो मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। साथ ही साथ कुछ जो आप लोगों से जो भी जिन लोगों ने सिलेक्शन लिया, उन्होंने जो मैसेज किए, आप लोग बहुत बहुत हार्दिक बधाई आपको। एक मैसेज है जो मुझे बहुत बहुत ही प्रभावित किया, मतलब काफ़ी अच्छा था। सरबजीत, ठीक है, मेरे सेकेंड बैच के एस्पिरेंट्स थे मेरे, ठीक है, तो उन्होंने जो मटेरियल जो भी जब परचेस किया था, मुझे अभी भी याद है। तो उस वक्त मैं सबके लिए एक वीडियो बनाया था, और होता है कि कोई कोई किसी किसी वीडियो से ज़्यादा इफेक्ट प्रभावित होता है और कुछ कर लेता है। सो मेरे पास मैसेज पड़ा है सरबजीत का, जिससे आप DYC बन चुके हैं। सर, आई हैव गॉट सेलेक्टेड एज DYC इन द सेकेंड बैच, जस्ट वॉन्टेड टू थैंक यू, यू आर वन ऑफ द रीज़न आई गॉट सेलेक्टेड एज DYC. I couldn't clear the DYC first batch written exam and I got demoralized and thought that I won't be able to get selected ever and started preparing for other exams, but then I saw your videos on YouTube. They were so inspiring that I made up my mind that at any cost I have to get selected as a DYC. Your videos were really very inspiring. I still remember you said in one of your videos. आप सुनिए, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, बट मेरी हिंदी की चीज़ को इन्होंने कितना अच्छा पॉजिटिवली लिया। मैं उस वीडियो में एक चीज़ बोली थी, आज मुझे याद है, और आज भी जो आने वाले जो वैकेंसीज आने वाले जो थर्ड बैच की वैकेंसीज है, जो भी आप लोग इस प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए भी बोल रहा हूँ मैं आपको फिर से मैं बोल रहा हूँ आपको कि ये जो शब्द है, फिर से मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मेरे एक वर्ड ने, मेरे एक सेंटेंस ने एक सरबजीत को एक DYC बना दिया। मतलब ये नहीं कि मैंने कर दिया, उन्होंने मतलब वो तो एक इस प्रकार से लिए कि ठीक है, कोई मेरे वर्ड को लाइटली ले लिया, ठीक है, कोई नहीं लिया, लेकिन सरबजीत ने अपने इस वर्ड को, देखो मैं यहाँ पर अपनी तारीफ नहीं कर रहा, मैं सरबजीत के टीचर की तारीफ कर रहा हूँ। सरबजीत के टीचर कोई भी हो सकता था, आप हो सकते थे, मैं था भी, कोई भी हो सकता था। सो सरबजीत ने मुझे तारीफ नहीं की है, तारीफ उन्होंने की अपने शिक्षक की, अपने शिक्षक उस वर्ड की, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा स्वामी विवेकानंद का एक बहुत बड़ा फेमस कोट है, उठो जागो और तब तक प्रयास करते रहो जब तक सफलता ना मिले, मतलब कोई बोलता रहता है, लेकिन उन्होंने एक चीज़ बोल दी तो अल्टीमेट चीज़ बहुत ज़्यादा हो गई। तो उन्होंने कहा,
स्टिल रिमेंबर यू सेड इन वन ऑफ योर वीडियोज, आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशंस कर रहे हैं उसे वहीं छोड़ दीजिए और इस एग्जाम की तैयारी में लग जाइए। एंड फ्रॉम दैट टाइम आई जस्ट स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर DYC, समटाइम्स जस्ट अ फ्यू वर्ड्स आर एनफ टू चेंज योर लाइफ एंड आई गॉट दोज वर्ड्स फ्रॉम यू सर। अदर देन माई पेरेंट्स यू आर द रीजन आई कुड सी दिस डे। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट फ्रॉम सरबजीत सिंह। सो एक मैसेज था सरबजीत की ओर से एक आफ्टर सेलेक्शन के बाद। ठीक है, अब मैंने बहुत सारी चीज़ बहुत सारे एस्पिरेंट्स से मैं मिलता रहता हूँ और बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं आप लोग जो भी हैं जो मुझसे मिलने आते रहते हैं। आप लोग कहते हैं थैंक यू सर कि आप उनसे हमसे मिलते हैं, तो एक यूट्यूब का चैनल चलाते हुए भी एक यूट्यूबर होते हुए आप हमसे मुलाकात करते हैं। आप हमेशा दिनेश चौहान का दरवाज़ा खुला हुआ है। एक मेरे एकेडमी के पास में ही एक मॉल है, ठीक है, मॉल स्पार्क मॉल ST मॉल, ठीक है, आराम से फर्स्ट फ्लोर फूड कॉर्नर पर हम लोग बैठ के बातें करते हैं, बहुत खाली सा रहता है आराम से, दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास में। तो वेन एवर यू वॉन्ट यू कैन कम टू सी, राइट। और जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी एक चीज़ होती है, आप क्लियर कर सकते हैं, मेरे साथ बैठ सकते हैं, विल हैव कॉफ़ी, है ना, जो भी हो सकता है, चाय ही पी लेंगे यार, और क्या होगा, जो मुझसे बन पाएगा, और जो भी अच्छी चीज़ हो सकेगी आई विल डिस्कस ऑन दैट डे। तो जब भी आप आए, ठीक है, तो आप हमेशा मोस्ट वेलकम, ठीक है। तो मैं हमेशा जो भी टाइम देता हूँ उस टाइम में आकर के बैठ के हम बातें करते हैं, तो बहुत सारे एस्पिरेंट से बातें करते हैं। हम लोग ये सब चीज़ें क्यों करते हैं, ऐसा नहीं कि आप लोगों से नहीं आता, बहुत सारी चीज़ें आती है, लेकिन दिक्कत इस चीज़ की है कि आप कई बार जब सेलेक्ट, अभी बहुत सारे बच्चे इस बैच में सेलेक्शन नहीं लिए, कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं प्रा, ठीक है, अभी आपको शुरू करना है आज से। मैं फिर से वही वर्ड दोहरा रहा हूँ, आप जिस भी एग्जाम की, दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, छोड़ दो ना एक महीने के लिए, क्या दिक्कत है भाई, कौन सी आप बल आ जाएगी। लेकिन नहीं छोड़ोगे तो ये एग्जाम स्किप हो जाएगा, और ये एग्जाम अगर स्किप हो गया तो आप इसकी भरपाई नहीं कर पाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ 100%। इसकी भरपाई वही कर सकता है, वही कर सकता है जब वो IAS के एग्जाम निकाल ले। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, तो इस बात को ध्यान रखिए, आप इसकी DYC की भरपाई आप PCS से भी नहीं हो सकती आपकी, नो नॉट एट ऑल। You cracked PCS exams like Deputy Collector and DSP and you will get selected for as a level 9 officers, right? जो grade पे आपकी level 9 होगी, but if you are getting select here, then you will get level 10. So difference is what, right? तो आप अगर DYC आपका छूटा तो definitely you think कि आपको बस एक ही exam जो इसका optional में आएगा वो IAS है, और आपको पता है उसकी प्रक्रिया बड़ी लंबी यार, ठीक है, उसका रास्ता बड़ा लंबा है। तो ये सही चीज़ है कि इसको आप तरीके से कर लें और इसको आप पढ़ें अपने तरीके से। आप मैं जो आज जो सजेशन देने वाला हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण सजेशन है। वो महत्वपूर्ण सजेशन क्या है, सुनिएगा अच्छे तरीके से। मुझे पता है अगर ढंग से एक भी व्यक्ति सुन लिया तो मेरे वीडियो बनाने का सार्थकता होगी, अगर उसके जीवन में एक बदलाव आ गया, मेरे एक वर्ड्स ने, मेरे कुछ सेंटेंस ने एक व्यक्ति के अंदर एक जुनून ला दिया और आज वो सरबजीत DYC बन गया, तो मैं सरबजीत से बहुत इंस्पायर हूँ। मैं सरबजीत मुझसे इंस्पायर है, मैं सरबजीत से इंस्पायर हूँ। मैं इस बात से इंस्पायर हूँ कि यार मतलब कोई शब्द कितना महत्वपूर्ण हो सकता है किसी व्यक्ति के लिए, ठीक है। तो देखिए अगर हम चर्चा करें तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि हाउ टू स्टडी, कैसे पढ़ें कैसे, तो आज एक सुनिएगा अच्छे से, बिल्कुल ठीक है, हाउ टू स्टडी, ठीक है। आपके पास 30-40 डेज है ओनली, और आपको 10 आवर्स देने ही देने, ठीक है, चाहे जैसे दीजिए, ऑफिस में बैठ दीजिए, चाहे जैसे दीजिए, ऑफिस में डांट खाइए, बॉस से डांट खाइए, कोई बात नहीं, बट डांट 4-5 बार वॉशरूम जाइए, ठीक है, पढ़ते रहिए, बिल्कुल लगे रहिए उसमें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, डांटेगा कुछ भी करेगा अगर आपको छुट्टी नहीं मिलती तो। बेईमानी करिए, बीमारी इन द सेंस मतलब पढ़ाई के लिए बीमारी करिए, मतलब वर्क में जा रहे हैं, अगर आप जॉस्टी वर्क करवा रहा तो कुछ इधर उधर मतलब मटकट काम मटवा करके पढ़ाई पे ध्यान लगाइए, पढ़िए जरूर, ठीक है। जब आप अपने जॉब में हो तो करंट अफेयर देखते रहिए, बहुत महत्वपूर्ण है करंट अफेयर आपके लिए, वो आपको सिलेक्शन दिलाएगा, ठीक। तो हाउ टू स्टडी में इसकी आज की चर्चा मैं करूँगा। अपना जो टाइम टेबल बनाएंगे आप वो तो सब चीज़ ठीक है, बनाते रहते हैं, पढ़ना कैसे है, आपने एक बीमारी पाल रखी है, आपके अंदर एक बीमारी हो चुकी है, नाउ यू गाइज आर सिक, समझिएगा बुरा मत मानिएगा,
ये जो मोबाइल है ये इसने बीमार कर दिया आपको। जब भी आप पढ़ने बैठते हैं आपने देखा होगा कि जैसे 10-15 मिनट का जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन जाता है थोड़ी देर के बाद अचानक आपको मोबाइल की याद आ जाती है और आप मोबाइल खोलते हैं। समझिएगा अच्छे से, मोबाइल खोलते हैं, मोबाइल में मैसेज देखते हैं, टेलीग्राम देखते हैं, जो भी चीज़ देखते हैं, और उसके बाद क्या होता है आपको कि आप एक मैसेज के बाद दूसरा मैसेज, एक वीडियो के बाद दूसरी वीडियो देखने लगते हैं और लगभग आपका 10-15-20 मिनट चला जाता है। फिर आप पढ़ने आते हैं, पढ़ने के बाद फिर से आप मोबाइल देखते हैं, थोड़ी देर में आप अचानक आपके दिमाग में एक मतलब चुलबुलाहट सी मचती है कि आपको फिर से मोबाइल देखना है। और जब आप लगातार 2-4 दिन इस प्रकार से कर देते हैं बॉस, तो ध्यान रखिए आपके दिमाग में आपकी एक आदत पड़ जाती है, एक आपकी हैबिट पड़ जाती है, और वो आपको एस मतलब आप उसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। क्योंकि दिमाग आपको अच्छा लगने लगता है, दिमाग आपको बहुत अच्छा लगने लगता है जब आप मोबाइल का यूज़ कर रहे होते हैं पढ़ाई के साथ, तो आपको बहुत अच्छा लगने लगता है। फिर वो चिटर चिटर जो टेलीग्राम पे किसी किसकी बातें, कहीं उसकी बातें, कहीं डिवाइसी में उसकी बातें, कहीं कुछ और मारेगा फ्रेज, कोई मारेगा, कोई चुटकुला मार देगा, कोई कुछ कह देगा, तो हमारे एम लग जाएगा। मैं उस बार ही बोला था कि ऐसे जितने भी स्टूपिड ग्रुप्स हैं आपके टेलीग्राम के, जहाँ पर फालतू चटर चटर चलती रहती है, उसे छोड़ दीजिए, लीव इट टुडे। नहीं डिवाइस ही नहीं बनेंगे आप, मेरे यकीन मानिए, ठीक है, चाहे बुरा माने चाहे भला माने, क्योंकि आपके पास वक्त कम है और आप वक्त उनको दे रहे हैं, वक्त आप उनको दे रहे हैं, वक्त आपको अपनी स्टडी को देनी है। याद रखिएगा, वफा जिसके साथ जितनी निभाएंगे उतनी ही मिलेगी आपको। तो आप कर क्या रहे हैं, आप अपना वक्त दे रहे हैं टेलीग्राम को, आप अपना वक्त दे रहे हैं फालतू ग्रुप्स को। आप यार सिंपल सी बात है, मेरे पेड ग्रुप में जो है, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप बना होता है उसमें टोटली प्राइवेट होता है, मतलब कोई मैसेज कर ही नहीं सकता। एक मैसेज मेरा जाता है दिन में जब करंट अफेयर जाता है या कोई स्टडी मटेरियल जाती है, तो बच्चों को पता होता है अगर यहाँ पर अगर कुछ आया तो मतलब वो इंपॉर्टेंट ही होगा, तो उसको पढ़ता, अदरवाइज नहीं पढ़ता वो कुछ भी नहीं, क्योंकि दूसरों को अलाउ ही नहीं चैट करना। नहीं तो गुड मॉर्निंग होने में ही 250 बच्चों को गुड मॉर्निंग सोचो तो कितने देर तक गुड मॉर्निंग चलेगी। सो प्लीज़ लीव दिस टाइम फॉर गुड, प्लीज़ लीव, ठीक है, नहीं तो मत लीव करिए। तो ये जो दिमाग का जो पैटर्न जब बनेगा आपके दिमाग में, तो आप जो 15-20 मिनट स्टडी करते हैं उसके बाद फिर से 15-20 मिनट आप व्हाट्सएप मोबाइल और सोशल मीडिया पर जाकर के टाइम बर्बाद करते हैं, और उसके बाद जब आप देखिएगा जो 8-10 घंटे आप पढ़ते हैं तो मुश्किल से आप इसमें 2-3 घंटे ही पढ़ रहे हैं, बाकी आपका 10 घंटे जा रहा है। आप एक काम करो ना यार, जब भी आप पढ़ाई करना है आप मोबाइल क्या कि दूर रख देना, मोबाइल को फ्लाइट मोड में डाल देना। और मैं जानता हूं आप लोगों से अभी नहीं होगा, जब आप पढ़ेंगे मोबाइल की याद आएगी, मोबाइल की याद आएगी, तो एक काम करना ना यार, 2 मिनट के लिए खुद से पूछना, जैसे मोबाइल की चुभलाहट लगे हाथ में, तो 2 मिनट खुद से पूछना कि क्या मोबाइल मेरे लिए जरूरी है मेरे कैरियर से, क्या ये मैसेज जरूरी है मेरे कैरियर से, क्या मैं जो कैरियर बनाने जा रहा हूँ वो मेरे लिए फ्रूटफुल है, मैं तैयारी किसकी कर रहा हूँ। आप जैसे ही ये चीज़ करेंगे, आप 2-4 दिन आपको ऐसा करने में लगेगा मेरे दोस्तों, लेकिन यकीन मानिए 2-4 दिन के बाद ये चौहान की कही हुई बात आपके भेजे में ऐसे घुसेगी कि आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे। हमने हाथ में बीमारी पाल रखी है ये, तो इसे दूर हटिए। और ये रही आज की सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी, सिलेबस की स्ट्रेटजी तो ठीक है यार देते रहेंगे, अभी मैं जितने टॉपर्स हैं जो भी सेलेक्टेड हैं उनका मैं इंटरव्यू आपको करवाऊंगा, उनसे बोलूंगा तो आपको बता देंगे बहुत सारी चीज़ें, लेकिन ये जो चीज़ है बहुत महत्वपूर्ण, आज मेरे दिमाग को बहुत तरीके से प्रभावित की, तो आज मैं आपसे इसकी चर्चा करने आया कि एक्चुअली में तैयारी करना कैसे। तो आप इसकी तैयारी ऐसे करिए, आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आप इसको करेंगे तो यकीन मानिए आप बहुत ही बेस्ट रहेंगे। अब मैं आपको कुछ मतलब आपको लोगों रिजल्ट आ चुका है तो आपको पता है कि थोड़ा रिजल्ट भी ज़रूरी है, तो आप रिजल्ट देख सकते हैं, ठीक है, मैं एक वीडियो है तो रिजल्ट आप सभी को रिजल्ट पता चल ही गया होगा, मैं एक वीडियो बना देता हूँ कि क्या कई बार क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को रिजल्ट भी पता नहीं चलता क्योंकि कई बार देख नहीं पाते, तो एक वीडियो में रिजल्ट की बना दूंगा कि रिजल्ट का क्या क्या सिस्टम है।
और कैसे नहीं, क्या कट ऑफ, सब कुछ चीज़ें हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। लेकिन आज जो हमारी चर्चा थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा थी, किसकी, कि पढ़ना कैसे है। और पढ़ने के लिए पहले इस सोशल अब्यूज से दूर हो जाइए आप, अगर एक बार हो गए तो आप यकीन मानिए कि आपका सिलेक्शन तय भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। और याद रखें, हमेशा खुश रहें यार, रिस्पेक्ट करें एक दूसरे की, अपने से बड़ों की, अपने से टीचर, बोला था विश्वास बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। कई बार 100 में एक आध बच्चे ऐसे होते हैं जो मतलब उनसे मेरी जब बात होती है तो उनका नेगेटिविटी ज़्यादा होती है। कई लोग कहते हैं सर इज इट सफिशियंट और नॉट, मैं बोला पहले आपने पढ़ा, वो नहीं सर, तो मतलब पहले पढ़िए तो सही, पढ़ते हुए आपको एक महीना क्रॉस हो जाएगा। तो मतलब जब आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट बन के रहें, मतलब टीचर बनने की कोशिश ना करें। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब मेरी रिस्पेक्ट करें या कुछ ऐसा, रिस्पेक्ट वो दिल से होती है, बी पोलाइट। और मैं आपको बोला था कि सफल व्यक्ति जरूरी नहीं कि पोलाइट हो, लेकिन पोलाइट व्यक्ति सफल होता है। आप मैं जितने भी मेरे पास स्टूडेंट जो सिलेक्शन लिए, उनका पहले का मैसेज और अभी का मैसेज में कोई अंतर नहीं है। वो जिस पोलाइटनेस के साथ मुझसे मटेरियल लिए थे, जिस पोलाइटनेस के साथ मुझसे बात करते थे, उसी पोलाइटनेस के साथ आज उन्होंने धन्यवाद भी किया। कुछ स्टूडेंट्स हैं, थैंक यू सो मच, आप बहुत केयर करते हैं। किसी ने कुछ वीडियो वीडियो शेयर की कि सर आपके मटेरियल से वीडियो बनाई जा रही है, या आपके मटेरियल जो है इधर उधर शेयर किया जाता है, सर ऐसे ऐसे लोग फ्रॉड है सर, इनके खिलाफ आप एक्शन लीजिए। तो मैंने उनको भी कहा कोई बात नहीं है, वो भले ही वीडियो बना रहे हैं मेरे मटेरियल से, कोई दिक्कत नहीं, मटेरियल किसी के बाप की बपौती नहीं होता, मटेरियल मटेरियल है। आप जैसे हम क्या करते हैं, सोर्सेस होते हैं हमारे, जैसे करंट अफेयर किसी के बाप का नहीं, चाहे वो कोई भी अकेडमी हो, बड़ा सा बड़ा क्यों ना अकेडमी हो, किसी का नहीं है। अब वो PTI से आपने लिया, कोई PIB से लिया, फिर आपने उसको बनाया, फिर अब आप देखते हैं, मैं किसी कोचिंग का नाम नहीं लूँगा, एक कोचिंग का मटेरियल जो होता है दूसरा उठाता है, दूसरा उठाता है तीसरा उठाता है, तीसरा का चौथा उठाता है, चौथा का पाँचवा उठाता है। तो टॉलरेंस होना चाहिए, क्योंकि मटेरियल किसी का नहीं होता, मैं बताया ना आपको, मटेरियल किसी का नहीं होता। मेहनत होती है, ठीक है, मेहनत चीज़ें होती है, क्योंकि आप उस पर चीज़ें बदलाव करते हैं, कुछ वर्क करते हैं और फिर बच्चों को देख कर लेके आते हैं। हम लोग भी करंट अफेयर कहाँ उठता था भाई, PIB से करंट उठाएंगे, बहुत सारी वेबसाइट से करंट उठाएंगे, बहुत सारी चीज़ें करेंगे, फिर उसमें देखेंगे DYC के लिए इंपॉर्टेंस क्या, फिर आपको चीज़ प्रोवाइड करेंगे। कोई बात नहीं, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर मेरे मटेरियल से कोई बच्चों को भला कर रहा है, या कि बच्चों को क्या कर रहा है, मतलब उससे पढ़ा रहा है, उनको समझा रहा है, तो दैट्स गुड, आई एम वेरी हैप्पी, मुझे कोई इशू नहीं इस बात से, एटलीस्ट बच्चों का ही तो भला हो रहा है ना। अब आप लोग भी तो अवेयर हो रहे हैं कि हाँ ये तो चौहान अकेडमी का मटेरियल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इससे मतलब नहीं होना चाहिए हमें कि मटेरियल कहाँ का है, मतलब होना चाहिए कि इज़ इट रिलेवेंट और नॉट। अगर रिलेवेंट है तो दैट इज़ गुड वन, और इरेलीवेंट है तो दैट इज़ अ बैड वन, चाहे फिर कितने ही बड़े महान अकेडमी का हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सो प्लीज़ आप सभी बस अपनी फोकस करें, अपनी स्टडी पर फोकस करें, अपनी चीज़ों पर फोकस करें, टेस्ट सीरीज़ लगाएं, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ तो आपको पता है चौहान अकेडमी उपलब्ध करवा ही रखा है, 20 टेस्ट सीरीज़ आपकी अपडेटेड हो चुकी है, उसमें बहुत कुछ हिंदी की भी अलग से हैं, 4-5 होंगी, और अभी 20 तो लगभग इंग्लिश मीडियम की है ही है। हाँ, मैं पहली बात बता दूं कि इतना टाइम नहीं है था हमारे पास और नहीं है अभी भी, बता रहा हूं कि हम पूरा का पूरा सलूशन दे पाएँ। हमने मैथ्स और रीजनिंग का सलूशन दे रखा है बहुत शॉर्ट तरीके से, ताकि एटलीस्ट मैथ रीजनिंग हिंट लग जाए, जीके इंग्लिश और आपका क्या है GS, इसका हम सोल्यूशन तो नीड ही नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि इसका आंसर चाहिए होता है तो आंसर किए, सोल्यूशन नीड होती है रीजनिंग और मैथ्स में, तो उसमें दिया हुआ है। आप टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर सकते हैं, वीडियो के नीचे लिंक में टेस्ट सीरीज होगा, टेस्ट सीरीज लगाइए। टेस्ट सीरीज का लेवल ना तो SSC है ना तो IBPS है, याद रखिएगा मेरे टेस्ट सीरीज का लेवल मिक्स है, कहीं आप इजी लेवल पाएंगे, कहीं आप हाई पाएंगे, कहीं कैसी चीज़ें पाएंगे। तो अभी 20 जो है अपडेटेड है, और आगे मैं और भी एडवांस लेवल की 5 से 7 टेस्ट सीरीज बहुत डलवाऊंगा, थोड़ा 15-20 दिन के बाद, जब आपका एग्ज़ाम के 15-20 दिन के पहले। क्यों? क्योंकि मैं तब तक का उसमें करंट अपडेट करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अब तक की तो अपडेट हो चुकी जो हो चुकी है ना, तो उसमें अपडेट करने की कोशिश करेंगे, वो हमारी तरफ से और एक्स्ट्रा रहेंगे आपके लिए। तो आप बहुत तरीके से मेहनत करें, और जिनको भी ऑनलाइन क्लासेस का लेना हो, ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में डेली डोज दिया जाता है, ठीक है, मतलब भारी भरकम नहीं, डेली डोज थोड़ा थोड़ा करके, ताकि आपको याद भी होता रहे और रिवीजन भी होता रहे, यानी कि भारी भरकम एकदम बमबारी करके चीज़ों को दे दिया जाए,
तो ऐसा भी नहीं है। तो आप ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन करिए और उससे आपको बेनिफिट ये होगा, देखिए आता सबको सब कुछ है, लेकिन ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने से क्या होता है कि सामने वाले पर एक ट्रस्ट हो जाता है कि यार चौहान अकेडमी चलो कुछ दे रही है तो हम उसको पढ़ें। अब उससे क्या होता है कि आपकी एक रेगुलरिटी बन जाती है, रूटीन बन जाता है कि यार सर ने जो दिया है उसको पढ़ना है। फिर हमारी भी एक जिम्मेवारी बन जाती है कि आपको कुछ ना कुछ देना है, कुछ ना कुछ आपको देते रहना, पढ़ाते रहना। तो उससे क्या होता है कि आपका जो रूटीन होता है वो एक इतना सही सेटअप हो जाता है जिसकी वजह से आप अच्छा सिलेक्शन ले पाते हैं। सो दिस इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एवरीवन, फॉर एवरी एस्पिरेंट्स हु इज़ प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम, फॉर द DYC, NYKS, whatever, राइट। सो दिस इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू टू मेक योर रूटीन, राइट। जो रूटीन में आप स्टडी करेंगे तो आपके दिमाग को भी ग्रैब करना पड़ेगा उसको, ठीक है। दिमाग फिर उसी टाइप का ढल जाता है, उसी टाइप की चीज़ें आपके पास होने लगती है। सो आप इसको करें, आपको बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। चलिए अपना सभी आप ध्यान रखिए और फिर मैं मुलाकात करूंगा जब भी टाइम मिलेगा, जब वक्त मिलेगा। अच्छा हाँ, ऑनलाइन क्लास का तो मैं बताया ही नहीं मैंने, मैंने आप लोगों को तो वो बता दिया कि टेस्ट सीरीज आप चौहान अकेडमी जो है डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन, और वहाँ से आप करिएगा, ठीक है। टेस्ट सीरीज आप अलग से ही परचेस करेंगे, क्लास के लिए आप हमसे संपर्क करेंगे। और क्लास के लिए संपर्क करने के लिए मैं कई बार बोला हूँ, कल भी बोल रहा था, बच्चों ने बोला कि सर आपको मैसेज करते हैं तो रिप्लाई मिलता, मैं इसलिए मेरे नंबर जो है 7827 वाला, उस नंबर में मैसेज कम किया करिए क्योंकि आजकल व्यस्तता ज्यादा होगी, इसलिए मैंने असिस्टेंट का नंबर दे रखा है। इनको व्हाट्सएप कर दीजिए, ये आपका मैसेज जरूर देखेंगे, जरूर रिप्लाई करेंगे। मैं थोड़ा सा लेटर कर पाऊंगा लेकिन ये आपको रिप्लाई जल्दी करेंगे। 9752874608 ये अजीत सर का नंबर है, ठीक है। इसको आप सेव कर लें और आपको ऑनलाइन क्लासेस, बुक्स जो भी चाहिए, ठीक है, तो आप इनसे आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अपना ध्यान रखिए और डिटेल सिलेबस के साथ एक पे वीडियो बनवाऊंगा, ठीक है। एक वीडियो आएगी अभी एक दो दिन के अंदर ही, जो भी हमारे सेलेक्टेड जो एस्पिरेंट्स उनमें से किसी एक का जो थोड़ा कॉन्फिडेंस हो बोलने में या जो कम्फर्ट फील करेंगे तो आपको बताएंगे किस प्रकार से चीज़ें हैं, किस प्रकार से चीज़ें नहीं, कैसे करना है, क्या उन्होंने किया तो क्या प्राप्त किया, ठीक है। चलिए अपना ध्यान रखिए, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।